लोकतंत्र के महापर्व चुनाव को लेकर खासा उत्साह देखने को मिला। नेताओं से लेकर आम जनता तक मतदान के लिए लंबी कतारों में खड़े नजर आए। सिंगरौली जिले में सुबह 7 बजे से मतदाताओं की लंबी लंबी कतारें देखी गईं। सिंगरौली कलेक्टर अरुण कुमार परमार, सिंगरौली पुलिस अधीक्षक मोहम्मद यूसुफ कुरैसी ने भी एनटीपीसी परिसर विंध्य नगर आवासीय परिसर में बने मतदान केंद्र पर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। जिले के तीनों विधानसभा क्षेत्रों के भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी सहित सपा, विंध्य विकास पार्टी, बीएसपी व निर्दलीय प्रत्याशियों ने अपना वोट डाला। सभी प्रत्याशियों ने अपने अपने जीत के दावे किए। वहीं सिंगरौली जिले की महत्वपूर्ण व प्रतिष्ठापूर्ण सीट देवसर विधानसभा से पूर्व मंत्री व कांग्रेस के प्रत्याशी वंशवर्णी वर्मा ने तिनगुड़ी में अपने मताधिकार का उपयोग कर अपनी जीत का दावा किया। मैंने 7:25 पर अपने मताधिकार का प्रयोग किया और जो वहाँ हमने रुझान देखा मतदाताओं के बीच में, तो ऐसा लगा कि सब बदलाव चाहते हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि सिंगरौली और सीधी जिले से सभी सीटें कांग्रेस के पक्ष में जाएंगी और मध्य प्रदेश में भारी मतों से सरकार कांग्रेस की बनेगी। लोगों को संदेश मैं यही देना चाहूँगा कि अच्छे से मतदान करें और जो शासन आज की डेट में हर व्यक्ति को बराबर लाभ दे रहा है और हमारे माननीय मोदी जी और शिवराज सिंह जी जो बहना योजना के हर महिलाएं जो है कि हमारे बहनें और माताएं जो है कि खुश हैं उसमें और बराबर उनके प्रति जो है कि अच्छा संदेश जा रहा है और वोटिंग जो है कि बराबर हो रही है और भारतीय जनता पार्टी का अच्छा जो है कि एक अपने ग्राम मोड़गड़ी में मतदान हो रहा है। इसमें 100% सवेरे से अभी तक में अच्छा रुझान है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।